एवरीवन, राधे राधे, वेलकम बैक टू द चैनल फ्रेंड। मैं ठीक हूँ, होप करती हूँ कि आप सब भी ठीक ही होंगे। और फ्रेंड्स, आज ना काफ़ी दिनों के बाद मैं व्लॉग्स डाल रही हूँ। यार, सबसे पहले तो सॉरी करना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि मैं अच्छी अच्छी वीडियो आपको दूंगी, और मैं क्या ही आपको देती। मेरे जो फ़ोन है वो ख़राब हो चुका, वो ठीक हुआ नहीं, सारी वीडियोज़ उसी में मेरी पड़ी हुई हैं। और मेरे हस्बैंड ने भी जो मुझे गिफ्ट दिया था वो भी उसी में थी वीडियो, तो मैंने सोचा मैं टर्न बाई टर्न डालूंगी। यार, हद्या, फ़ोन मेरे हाथ से ही गिर गया और फ़ोन जो मेरा पूरा ख़त्म हो गया। तो अभी ना मैं नया फ़ोन लाया है, और मैं नए फ़ोन में पहले ही ब्लॉग डाल रही हूँ। और क्या ही डालूँ फ़ोन फ्रेंड, मेरी जो बड़ी बेटी है वो बीमार चल रही है काफ़ी, उसको डेंगू हो गया था और पेट में भी काफ़ी मैदे में इन्फेक्शन वगैरह हो गई है। और अभी ना उसको डॉक्टर के पास लिया था, इंजेक्शन वगैरह करवाए हैं, और एक दो बार उसको एडमिट भी कराना पड़ गया, और अभी अल्ट्रासाउंड वगैरह कराए हैं। डॉक्टर ने कहा कि अगर फ़र्क नहीं आएगा तो फिर इसको इंडोस्कोपी करानी पड़ेगी। तो अभी हम डॉक्टर के पास से ही आए, तो मैं सोचा कि मैंने ना काफ़ी दिनों से कोई ब्लॉग नहीं शूट किया था, तो मैं ब्लॉग शूट कर ही देती हूँ। तो मैं जस्ट अभी पहुँची हूँ घर में, और अभी उसके लिए मैं खिचड़ी बनाने लगी हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पेन में है, बहुत ज़्यादा। आज वो स्कूल से आई ना, तो मैं क्या ही बोलूँ कि उसकी क्या कंडीशन हो गई थी। तो अभी भी वो बहुत ज़्यादा पेन में है, तो अब देखते हैं क्या होता है। पेन किलर तो लगवा के लाया है, और अभी मैं इसके लिए खिचड़ी बना रही हूँ। तो चलो फ्रेंड, ना मैं बाद में मिलती हूँ आपसे। अभी भी आए हम हॉस्पिटल से, उसका इंजेक्शन लगाया। फ्रेंड्स, पहले नंबर दो बताओ कि मेरे कैमरे की क्लियरिटी कैसी आ रही है, और कैसी लग रही हूँ मैं बताना ज़रूर। और कैसी आ रही है? अच्छा आ रहा ना। ओए, तूने नारियल पानी पिया? देखो ये बीमार पड़ी हुई है। ओए ओए, इधर आ, चल इधर, और नारियल पानी पी, चल इधर। ये फ्रेंड्स, ये ना बीमार है, और कल भी इसको इंजेक्शन वगैरह लगे हुए हैं, नारियल पानी भी नहीं पी रही। चल लड़की, आएगी कि नहीं? जाओ उसको पकड़ के लाओ, वो देखो बिस्तर पे, बस उसने अपना ना बेड पकड़ा हुआ है। चले चलो, तो नारियल पानी खाने पीने के, खाने पीने के मामले में इतनी डफर लड़की है ना ये, मैं क्या ही बोलूँ। लड़की, खड़ी हो, बोरे खड़ी हो, मेरे चाचा टूटा, खड़ी हो, ये चाहिए, ये चाहिए, कर ये चाहे वो कर, इसकी मर्जी, मैं जो कर मैं जाए वो कर, मेरी मर्जी नहीं, तेरी मर्जी नहीं। चलो बता, पता है फ्रेंड्स, इसको कल हम डॉक्टर के पास लेकर के गए। डॉक्टर बोलता है, बेटा कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 7th में कि 8th में? अरे उतना नीचे, मैंने बोला नहीं सर, 12th में पढ़ती है, 12th में पढ़ती है, लगती है 12th वाली बच्ची, और ये खाती पीती नहीं है कुछ भी। फ्रेंड्स, आप लोग ना इसको कमेंट करके ना, और देखो वापस लेट गई है। चलो फ्रेंड्स, पहले मैं इसको थोड़ा सा सीधा कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपसे बात करती हूँ। अभी ना फ्रेंड, मैं इसको ना खुद से ही नारियल पानी देती हूँ। यार ये लड़की कुछ से तो कुछ करने से, तो इसके लिए ना नारियल पानी पीती हूँ। इसने खुद तो पीना होता नहीं है, इस लड़की की वजह से मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। ओह शिट, पानी पूरा ऊपर तक भरा था, रात को जो लाया था ना उसमें पानी था ही नहीं नारियल में। कितने पीना मुझे, मैं तेरे को जानती हूँ ना बेटा। पता क्या करेगी, पहले आदू ना लेकर के जाएगी, पहले खुद ही उसको घूंट मारेगी, और फिर जो है ना बाद में जो है मम्मी को देगी। कितना घूंट मारा आदू? खुशबू करा, खुशबू सुंगा। अब यहाँ पे ना मैं मन्नत के लिए बना रही हूँ खिचड़ी, और खिचड़ी लगाई हुई है मैंने यहाँ पे कुकर में, और क्योंकि इसको खिचड़ी और ना साथ में खाना है दही, और अब वही बना रही हूँ। दिन के 2:30 बज गए, और ये दोनों देखो परमानेंट बुकिंग बिस्तर पे हुई हुई है। कल शाम को ना जा रही थी मन्नत के लिए वो लाने के लिए, क्या बोलते हैं उसको, नहीं नहीं क्या बोलते हैं उसको, नारियल लाने गई थी, और मुझे पता ही नहीं, जब मेरे को अनिल ने कुछ पूछा भी नहीं, और अनिल ना मेरे लिए करवा चौथ के लिए ना ये कुछ चीज़ लेकर के आया है। तो फ्रेंड, मेरे को नहीं पता था, मैं जा रही थी नारियल पानी लेने के लिए, और उधर से अनिल आया, और स्कूटी पे ये रखी थी, और मैंने पहले ये देख ली, क्योंकि वो मुझे सरप्राइज देना चाह रहे थे ना, तो मैंने देख ही ली थी। और क्या लाया है, थाली,
कितनी सुंदर लाई है ना, आ जाता है ना वैसे उसको लाना, और मेरे को पूछा भी नहीं छन्नी, और ये लाया, और मुझे ना माँ कसम पूछा भी नहीं, और मुझे बोला भी नहीं कि मैं ला रहा हूँ। वैसे ये चीज़ें अच्छी ले आता है चीज़ें ले आता है अच्छे से, तो लाया है वो। और अभी मैं खिचड़ी बना रही हूँ, और मैं भी यही खिचड़ी ही खा लूँगी, और साथ में मटर पनीर बने हुए हैं। फ्रेंड्स हम करने लगे हैं लंच, बत्ता कश्मीरी में चावल को बत्ता बोलते हैं, इसीलिए बोले बत्ता खाने लगे। और अभी हम खाने लगे हैं लंच, और मटर पनीर साथ में सलाद, और एक हमारी मन्नत है जो कि बेचारी खिचड़ी के साथ खा रही है। बोरिया मेरा नहीं दिखाना, उसको खिचड़ी के साथ ही खाना, वो खिचड़ी ही खा रही है। मैंने भी खिचड़ी उसी की ही ली है। यहाँ हम खीरा खा रहे हैं, इसको भी खाने का दिल करता है, सब्जी खीरा वह नहीं खा सकती, टोटली उसको बंद कर दिया। टोटली स्पेलिंग बोला, टोटली की तरह ठीक तो बोल रही है, टोटली बंद किया, स्पेलिंग बोला जरा, स्पेलिंग क्या बेचारी बोल तो रही है ना, बोलो मैं ट्राई तो कर रही हूँ ना बोलने का, छोटा बच्चा हूँ अभी मैं, मासूम बच्चा हूँ। यू फॉर अम्ब्रेला कैसे बनता है? यू फॉर अम्ब्रेला बताना बताना नहीं मैम, मेरी कसम लगे खुद ही बताइए। चलो फिर बाद में बात करती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, वेलकम बैक टू द चैनल। फ्रेंड मैं ठीक हूँ, होप करती हूँ कि आप सब भी ठीक ही होंगे। और फ्रेंड क्या आज जो वीडियो की स्टार्टिंग है वो कर रहे हैं रात के 7 बजे, 7:15 बजे का टाइम है, और 7:15 बजे का टाइम है, और हमारी ब्लॉगिंग जो है वो शुरू हो रही है, क्योंकि हम तो कभी भी शुरू हो जाते हैं भाई। और यहाँ पे देखना आदू ने क्या किया, आदू ये चुन्नी उठा, आदू चुन्नी उठा, आदू ने देखा चुन्नी कहाँ पे ना फेंक दी है। और मैं सोच रही थी यार मेरे पास तो कुछ ब्लॉग के लिए है ही नहीं है, और जिस फोन में मेरे ना वीडियोस पड़ी हुई थी काफ़ी, मतलब वो वाला जो मेरा फ़ोन है वो हो चुका हुआ है ख़राब, मैं पहले ऑलरेडी बता चुकी हूँ। और अभी ना बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहे ठीक करवाने के लिए, और मैंने कहा कि अभी फिर रहने, तो मैंने नया फ़ोन ही ले लिया था। और मैंने देखा, मैंने बोला था कि देख लेना, भैया बोल रहे थे कि हो सकता है कि थोड़ा कम में ही हो जाए, क्योंकि बाहर के फ़ोन जो है ना, मतलब कोई एक्सीडेंट वगैरह में या किसी का टूट जाता है या कुछ भी मतलब हो जाता है, मतलब बिल्कुल डैमेज हो जाता है, तो उसके अंदर के पार्ट्स जो है वो आपके फ़ोन में डाल लेंगे। और इसीलिए ना मैंने उनको बोला, उन्होंने बोला कि वेट कर लेते हैं, मैंने कहा ठीक है, क्योंकि मैंने नया फ़ोन तो ले ही लिया है। और सारे ब्लॉग्स फ्रेंड जितने भी ब्लॉग्स हैं ना वो सारे उसमें पड़े हुए, और मेरी मेहंदी और सारे ब्लॉग्स उसमें ही पड़े हुए, और मेहंदी उतर गई है, हल्की फुल्की रह गई है क्या, ऊपर से तो है और अंदर से ना सारी चली गई है। और फ्रेंड्स और क्या ही बोलूँ, बस ये बच्चे लोग जो है तंग करते हैं, और मेरा प्लांट्स जो है वो भी देख लो आगे, क्योंकि आपको पता है कि मुझे प्लांट्स, मैं प्लांट्स लवर हूँ और मुझे प्लांट लगाना अच्छा लगता है। और फिर क्या करूँ, थोड़े दिनों के बाद मेरे बच्चे जो है ना वो पानी वानी नहीं डालते, इनकी केयर नहीं करते, पता नहीं अंदर सर्वाइव नहीं कर पाते वैसे, तो मैं इनडोर प्लांट्स ही लाती हूँ। बट बच्चे ना, ये मेरी जो छोटी है ना, इनके साथ छेड़छाड़ करती रहती है, वैसे मैंने 1-2 महीने से लाए हुए हैं तो अच्छे अभी तो ग्रो कर रहे हैं। और फ्रेंड्स ठीक है, मैं ना अभी आपके साथ बाद में बात करूंगी, और वहाँ पे आदू और मन्नत ने पता नहीं क्या धमाल मचाया हुआ है। और ये है मेरी लॉबी, एक साइड हमने सोफे लगाए हुए हैं, एक साइड हमने बैक सिटिंग अरेंजमेंट किया हुआ है, इस साइड पे हमने अपना जो क्या बोलते हैं ड्रेसिंग एरिया है वो बनाया हुआ है, क्योंकि मुझे मिरर देखने का बहुत शौक है। और इस साइड तो आपको पता ही है कि वॉश विशूस वगैरह है ना, तो चलो फ्रेंड्स फिर बाद में बात करते हैं। और ना हाँ, एक्चुअली मेरे में ना, मैं 2 बार गई थी और थोड़ा थोड़ा सामान लाया भी था, और यहाँ पे ना हमारी तो सर्दियाँ भाई आ चुकी हैं, और आपकी सर्दियों का कुछ आइडिया नहीं है, अभी आई है कि नहीं आई है। हाँ गंद क्या, शाम के टाइम तो अब 7 बज रहे हैं तो गंद तो होगा, और ऐसी बात है बच्चों का घर है तो इतना तो डालते ही हैं। जैसे ये आदू ने अभी टोपी लगाई हुई थी, और अभी ना इसने फेंक दिया, और इसने हेयर बैंड भी लगाया, आदू उसकी ऐनक उठा, और ये ऐनक उसकी लगा के घूम रही है, आदू बहुत महंगी है। और बस और क्या ही है, और कुछ ज़्यादा तो है नहीं है, और बाद में बात करती है फ्रेंड्स। ओके बाय बाय, मैंने बोला तो फिर 1 लाख सारे लोग, मैंने बोला खाली बिस्कुट देना मैम, तो फिर मैंने बोला मैम तो फिर नहीं, मुझे बिस्कुट चाहिए, सर ने बोला आप नहीं लेंगे।
अभी ना आदू जो है इसने मेरी जान खा दी है और यहाँ बोल रही है कि चलो मैंने सफाई की है रूम में और झाड़ू भी मारा है, तो ये मेरे हाँ ये मेरे को दिखाने लगी है, मैं वीडियो तो बना रही हूँ, डोर मैट वहाँ कहाँ डाल दी है तूने, और देखो ये बोलती है मैंने सफाई की है ना, ये यहाँ कहाँ क्यों डाल रही है, ये कहाँ से उठा के ले, उधर की दरवाजे की उधर की उस साइड की उस साइड की। हाँ तो अभी मेरे को बोलती है चलो ये रूम मैंने सेट किया क्योंकि मैंने यहाँ पे कपड़े धोए थे ना, तो बोल रही है कि आ जाओ और देखो आहा कितना अच्छा रूम बना दिया है ना आज उन्हें, सारे कपड़े बिखरे हुए थे थोड़े थोड़े फोल्ड कर दिए हैं इसने, जितना इससे हो सकता था उतना कर दिया है इसने, और अभी ना ये कपड़े शपड़े धो करके रखे हैं यार सुबह सुबह, अभी मैं झाड़ू वाड़ू मारूँ, झाड़ू अच्छे से मैं मारूँगी और पोछा भी लगाऊंगी, और ये पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं ये, दिन भर इसी कमरे में ही घुसे रहते हैं ये लोग। ओह फ्रेंड्स फ्रेंड्स ये बात मुझे हजम नहीं हो रही है, आदू बोल रही है पढ़ाई करते रहते हैं और पढ़ाई वढ़ाई यहाँ आदू कुछ भी नहीं करती है, और खाली और खाली पता क्या करती है देखो मेरे बाल खाली टैप चलाती रहती है, देखो पीछे से दिखाई दे रही है। तो अभी फ्रेंड्स हम लोग जल्दी कुछ खा पी लेते हैं उसके बाद झाड़ू पोछा लगाते हैं और फिर मिलते हैं आपसे।